देखिए बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। बुधवार को बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में बाहर से लेकर अंदर तक विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। मैं सुशासन बाबू हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार जी को चश्मा लगा करके भी नहीं दिखाई देता है। शर्म की बात यह है कि प्रशासन लिपापोती में लगी है। हंगामे की ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं, जहां होली में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया। माननीय सदस्यगण, आप शांत सुनिए। नकली शराब बेचने वाली सरकार, हाय हाय। पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे आरजेडी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। इन्होंने तंज भरे लहजे में बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला। वहीं बांका से आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर नाटक करने का आरोप लगाया। मैं सुशासन बाबू हूं, मैं अंधा हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, जहरीली शराब से मौत हुआ है और सरकार जो है आंख पे अपना पट्टी लगा करके और सोई हुई है, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। दोषी पदाधिकारी पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रहा है कहीं भी। पुलिस के देख रेख में, सत्ता के संरक्षण में पूरे बिहार में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। एकदम अस्पष्ट है। मैं तो उस जिला से बिलोंग करता हूँ और मुझे जो जानकारी मिली है, वहाँ परिवार के सारे लोगों का कहना है कि शराब पीने से इसकी मौत हुई है, लेकिन पता नहीं सरकार के कानों पर जू तक क्यों नहीं रेंगती है। वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी इस मामले को दबाना चाहती है, इसलिए यह तो स्पष्ट हो गया है कि सरकार की शराबबंदी बिल्कुल फेल है और निश्चित तौर पर इसके चलते जवान जवान लड़कों की मौत हो रही है। जहरीली शराब पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। वहीं तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने कहा, नीतीश कुमार को चश्मा पहनकर भी दिखाई नहीं पड़ता, लोग खुले में शराब पीते हैं। सुशासन का जो लोग दवा ठोकते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपना, ये उसका पोल खोलने का काम करता है। और शर्म की बात यह है कि प्रशासन लिपापोती में लगी रहती है। गलत जांच, गलत रिपोर्ट, मौत किसी और कारण होता, पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता? फिर पोस्टमार्टम होगा, पता चल जाएगा। 1000 लोग मर रहा है शराब पी करके, जहरीला शराब। कुछ दिन पहले हमने भी अपने आईडी से एक वीडियो पोस्ट किया था, जहां अपना खटाल है वहां पे आप अभी शाम में चली तो अगर नीतीश कुमार जी को चश्मा लगा करके भी नहीं दिखाई देता है तो उनको आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां सड़क पे लोग गिरा हुआ शराब जहरीला पी करके। आपको बता दें कि होली से अब तक बिहार के भागलपुर, बांका, सिवान, माधेपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस इसे बीमारी से हुई मौत बता रही है, लेकिन परिजन जहरीली शराब से अपनों की जान जाने का दावा कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।